डॉक्टर भारती जी, आप वैसे तो काफ़ी फेमस हैं, पर ऑल ओवर इंडिया में आपको फूफा जी के नाम से और फेमस हो गए हैं। आप लोग यहाँ पर जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज इसका दूसरा दिन है, किस तरीके से ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है आपके हिसाब से? ऐसा है, जब हम ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में हम जो हमारे लेक्चर होते हैं ट्रेनिंग में, उनकी एक शेड्यूल बनाते हैं। उस शेड्यूल में सबसे पहले ये होता है कि हमारे देश में कितनी बकरी की प्रजातियां हैं, कहां कहां पाई जाती हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, और उसके बाद में हम ये बताते हैं कि बकरियों की परचेज करते समय उनका चयन कैसे करें जी, बकरी या बकरे का चयन कैसे करें, और फिर हम उसके बाद जनन और प्रजनन का लेक्चर देते हैं जी। उसके बाद में हम पोषण संबंधी जानकारी देते हैं जी। तो पोषण में ये है कि हम बकरी को दाना राशन किस तरह से हम आकलन करें जी, कि हमारी एक बकरी को कम से कम कितना राशन दिया जाए और वो सस्ता भी हो जी, और उस बकरी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो जी। तो आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई है पूरे इंडिया में। हाँ, मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म पे ट्रेनिंग करने का क्या फ़ायदा है लोगों को? फायदा ये है कि यहाँ से जो ट्रेनिंग करके जाते हैं तो वो लोग जाके अपने फार्म, निजी फार्म खोल रहे हैं जी। उन फार्मों पे अब कुछ तो बकरी अकमल भाई से ले जाते हैं जी, कुछ अपनी लोकल खरीद के अपना वहाँ फार्म खोलते हैं जी। और मैं कई एक फार्मों पे मैं विजिट भी करके आया हूँ जी। कल अभी मैं यहाँ जब ट्रेनिंग शुरू हुई थी, 28 से ट्रेनिंग शुरू होनी थी, तो मैं 27 तारीख को अलीगढ़ फार्म का विजिट करके आया था जी। तो उनका फार्म अच्छा चल रहा है, और उससे पहले मैं कैरकटा गया था जी उनका फार्म। तो ये लोग हैं, जब ये फार्म खोल लेते हैं तो हमें सूचना देते हैं, हमें बुलाते हैं, तो उनके फार्म को हम देखते हैं, अगर कोई कमी होती है तो हम उनकी उसमें मदद करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर ट्रेनिंग लेगा आदमी तो आप लोग उसको बाद में भी मदद करते हैं? हाँ, अगर मेरे पास फोन आएगा तो मैं जरूर उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए वो वहाँ बुलाएगा तो जरूर जाऊँगा। ठीक है, ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि फूफा जी, आप कोई भी एक या दो आपकी जो नई कविताएँ हैं वो लोगों तक पहुँचे, ताकि आप जैसे कलाकार दुनिया में और प्रसिद्ध हो पाए। ठीक है, तो अभी मैं पोषण की बात कर रहा था जी। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन लोगों को बता रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन की बात कर रहा था, तो मैं एक छोटी सी 4 लाइन है पोषण के संबंध में आपको सुना रहा हूँ कि पोषण का व्यवसाय में होता बहुत महत्व, सस्ता सुगठित पौष्टिक हो सुपाचक तत्व, होय सुपाचक तत्व नस्ल कश कामन आवे, गीदड़ होवे बिना पुष्ट आहार सिंह गीदड़ बन जावे। वाह वाह, बिना पुष्ट आहार सिंह गीदड़ बन जावे, कहे भारती सत्य प्यास नहीं बुझती ओसन, जो चाहो कल्याण कीजिए उत्तम पोषण। मतलब खाने में बहुत ध्यान देना। हाँ, अच्छा ध्यान, अगर नहीं दोगे तो शेर गीदड़ बन जाएगा। हाँ, अगर शेर को भी अच्छा खाना नहीं दिया जाएगा तो वो भी गीदड़ बन जाएगा, और अगर अच्छा राशन आप बकरियों को नहीं देंगे तो आप किसी भी नस्ल को खरीदें, अच्छी से अच्छी नस्ल को, वो भी आपको उत्पादन सही नहीं देगी। तो इसलिए पोषण का या दाने चारे का या न्यूट्रिशन का पशु व्यवसाय में, चाहे वो बकरियों का व्यवसाय हो, चाहे गाय भैंस का हो, किसी का भी हो, उनमें उत्तम पोषण देना बहुत जरूरी है जी। अगर लोग आपकी जो किताब है बापू की बकरी खरीदना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? खरीदने की बात यह है कि ये किताब मैंने CIRG में लिखी थी जी, और उन्हीं को समर्पित कर दी थी जी। उनके पास अब इसकी कोई प्रति बची नहीं है जी। तो डायरेक्टर से मैं बार बार कहता हूँ, तो डायरेक्टर कहते हैं कि इसका अगला प्रकाशन हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो मेरे पास, मैं बस केवल इतना ही करता हूँ कि कोई सज्जन अगर मांगता है तो मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई है, उसकी मैं जीरोक्स करवा के उसको दे देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ एक है कि मैं तो ये चाहूँगा
कि एक मैंने किताब लिखी है, अभी प्रकाशित नहीं कराई गई है, कि चमकता सितारा पशुधन हमारा, चमकता सितारा पशुधन हमारा। उसमें बकरियों के साथ साथ गाय भैंस घोड़े ऊंट और ये आपके घोड़े खच्चर और आपका ये सुअर तक को मैंने उसमें लिया है। अच्छा, तो इनकी क्या प्रजातियां हैं इंडिया में और इनको किस तरह से पाला जाए, इनका अच्छा। कैसे आवास बने जी, तो ये मैंने लिखी है। लेकिन अभी भाग्यवश कुछ हम किसी दूसरे को भी नहीं लेना चाहते हैं, मैं खुद अपने पैसे से उसे पब्लिश कराना चाहता हूँ, तो कुछ समस्याएं ऐसी बन गई जिससे मैं प्रकाशित नहीं करा पाया हूँ। तो जल्द से जल्द अगर हो जाए तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, और आज की दुनिया में आप उसको डिजिटल तरीके से भी बेच सकोगे। हाँ, जैसे अमेजोन है। हाँ, बाकी की जो किंडल है ऑनलाइन जहाँ से बुकें बिकती हैं, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा है साहब, मुझे कविताएं करने का शौक़ था, मैं मंचों पे जाता था जी, तो मंच से जब उतर के आते थे और जो मंच पे कविता पढ़ता था और जब उतर के आता था तो उस कविता का कोई महत्व नहीं रहता जी। फिर मेरे दिमाग में आई कि जिस सब्जेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उस पर ही क्यों न लिखूँ जी। जैसे आपने सुना होगा एक घाग हुए थे कवि, हाँ, उन्होंने पशुओं पर लिखा, खेती पर लिखा, मौसम पे लिखा, वर्षा पे लिखा, उन्होंने कई चैप्टरों पे अपने कविताएं लिखी जी। वो आज भी प्रसिद्ध हैं और कोई आदमी ज़्यादा योग्य होता तो उसे घाग कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए मैंने पशुओं पे और खेती पे लिखना शुरू कर दिया। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हाँ। क्योंकि आपको लंच भी करना है, हाँ। आगे आपको पढ़ाने भी जाना है, हाँ। मैं आपको, आप में मुझे लिख के देंगे अगर आपकी कविताएं, हाँ। सो हमारा जो प्लान है, हाँ। कि हम आगे चल के और लोगों तक पहुंचाएंगे उसको, सो ताकि लोग आपकी कविताएं सुन, हाँ। सकें और उससे मज़े ले सकें। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको हम विद इन 15 डेज या 20 डेज में हम आपसे बाय पोस्ट हम भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी और हमारे प्यारे फूफा जी, अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह आप लोगों की ये ट्रेनिंग करते रहें। ठीक, चलो, धन्यवाद सर, धन्यवाद।